नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मोहिनुद्दीनगर थाना क्षेत्र के रासपुर पत्सिया गांव स्थित गंगा नदी में डूबने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान मोहिनुद्दीनगर थाना क्षेत्र के बोचवा पश्चिम टोला निवासी उमेश राय के 12 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मोहिनुद्दीनगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नवल किशोर घटना स्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत युवक अपनी दादी के साथ गंगा स्नान करने गया था, जहां स्नान के क्रम में वे अचानक गहरे पानी में चला गया। अपने पोते को डूबता देख महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर गुल सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने पानी में डूबे युवक को बचाने के लिए पानी में उतरकर काफी खोजबीन किया। जब तक बच्चे को पानी से निकाला जाता, बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौके पर उपस्थित बोचवा पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार राम, CPM नेता संजीव कुमार, शंभूरा आदि ने स्थानीय प्रखंड प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। बहुत कुछ बनेगा सर, काहे टेंशन ले रहे हैं।